question is 26th question aluminum vessels should not be washed with materials containing washing soda since So, aluminum or washing soda ka hum reaction they ki kya ho 26th question aluminum plus washing soda na2co3 plus h2o so this will form एल्यूमिनेट्स बन जाएंगे NaAlO2 CO2 H2 सो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन कि एल्युमिनियम वेसल शुड नॉट बी वॉश्ड विद मटेरियल्स कंटेनिंग वॉशिंग सोडा सिंस इट हैज टू बी डी ऑप्शन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम टू फॉर्म सॉल्युबल एल्यूमिनेट ये बन रहा है जो सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्युबल

sp3 है यहां से लोन पेयर है इट विल बी डोनेटेड टू द बोरॉन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा बोरॉन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसमें आपने याद रखना है नाइट्रोजन एज़ वेल एज़ बोरॉन बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी दैट मींस इसके नाइट्रोजन के अराउंड हाइड्रोजन 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 और इस बॉन्ड की जो डिस्पोजिशन होगी दैट विल बी

और सिलिका को किसके साथ हीट करें कि कार्बो रैंडम ऑप्टेन हो जाए थर्टी क्वेश्चन सिलिका इज एस आई टू वेन इट इज हीटेड विद कार्बन हाई टेंपरेचर होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्वेंटी थ्री हंड्रेड कैलवेन एंड दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिलिकन कार्बाइड कार्बो रैंडम कहते हैं इसे प्लस

एस आईओ टू प्लस सी ए प्लस एन ए टू सीओ थ्रीट करे अगर तो वी ऑप्टेन सोडियम एन ए टू एस आई ओ थ्री एंड सी एस आई ओ थ्री दिस इज ग्लास इसका बना होता है ग्लास सुपरकूल्ड लिक्विड है

तो so, एंथ्रोसाइट में सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है कार्बन की दिस यू टू रिमेम्बर एंथ्रोसाइट दी हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन नेक्स्ट इज थर्टी फोर्थ क्वेश्चन सीओ बॉन्ड ऑफ सीओ सीओ थ्री टू नेगेटिव एंड सीओ टू इज तो so, CO में वी हैव ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर और CO2 में वी हैव डबल बॉन्ड एंड CO3 में CO32 नेगेटिव में वी हैव सिंगल बॉन्ड इसमें ट्रिपल बॉन्ड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है CO में तो इसमें बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम होनी चाहिए CO की ट्रिपल बॉन्ड है सबसे कम CO का बॉन्ड लेंथ सबसे कम उसके बाद डबल बॉन्ड वाला CO2 उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला CO32 नेगेटिव दिस विल बी दी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड का ऑर्डर इन इन ऑल दिस थ्री कंपाउंड्स जो आयन भी है बीच में CO CO32 नेगेटिव एंड CO2 दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन सो इट इज डी सीओ लेस देन CO2 देन CO32 नेगेटिव आफ्टर दिस 35th क्वेश्चन <coughs>

कार्बन से जब मूव कर रहे हैं इनमें सारों में जितने भी हाइड्राइड्स हैं कार्बन फैमिली के दे हैव वीक वॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन लेकिन जो साइज है सेंट्रल एटम का वो इंक्रीज करता जा रहा है एज वी आर मूविंग डाउन द फैमिली

36 question. Butter of tin. Butter of tin is जब करते हैं कपड़े को तो उसमें मॉडर्न का क्या फंक्शन होता है डाई और कपड़े के बीच में वो बॉन्ड बनाता है मॉडर्न जो है वो डाई को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है ऑन टू द क्लॉथ तो डाई अगर डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही है कपड़े के साथ तो विद हेल्प ऑफ मॉडर्न वो डाई अटैच हो जाएगी तो जो बटर ऑफ टिन है इज इज इट अ मॉडर्न इन डाइंग नेक्स्ट इज थर्टी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन इज द रेडिश ब्राउन गैस फॉर्म्ड वेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज बाई एयर रेडिश ब्राउन वैसे होती कौन सी है एनओ टू तो डायरेक्ट ऑप्शन होनी है वैसे तो सी लेकिन देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है थर्टी सेवन क्वेश्चन नाइट्रिक ऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन होगी एयर से एनओ प्लस ओ टू दिस विल जनरेट दिस विल फॉर्म एनओ टू रेडिश ब्राउन गैस इट हैज़ क्वेश्चन

लेकिन नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में देर आर नो एम टी डी ऑर्बिटल बिकॉज देर फोर एनसीएल फाइव जो है दैट कैन नॉट एक्जिस्ट दो uh, पांच सी नहीं लग पाएंगे नाइट्रोजन में बिकॉज एन नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में देर आर नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स फोर्टीथ क्वेश्चन लाफिंग गैस इज दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड फोर्टी क्वेश्चन

सेंट्रल को देखें अगर नाइट्रोजन है, यहां है, यहां है, यहां है जो है, एंटीमनी साइज़ जो इंक्रीज़ होता जा रहा छोटा <coughs> हो होगा में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी एन की होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की लुइस तो बेस

नाइट्रिक ऑक्साइड तो द लाइटनिंग फ्लैश से जो एनर्जी मिलेगी उसकी हेल्प से एन टू और ओ टू दोनों कंबाइन हो जाते हैं आपस में उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैश एन टू प्लस ओ टू इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग फ्लैश दे विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड इट है नेक्स्ट इज फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन विच हैज दोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो देखिए फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन में बात हो रही है हाइड्राइड नाइट्रोजन फैमिली की वी हैव एन एच थ्री फोस्फीन एस एच थ्री एंटीमोनिक हाइड्राइड तो बॉइलिंग पॉइंट की जब बात होती है तो उसमें हमने देखना होता है इंटरेक्शंस कितनी स्ट्रांग है मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरेक्शंस स्ट्रांग है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा अब कौन सी इंटरेक्शंस है वो भी देखना पड़ेगा NH3 और NH3 में वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 और NH3 में वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है शील्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजनस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो इंटरेक्शन आएगी ऐसे करके दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एफ या ओ या एन ऑफ अनादर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में wall of है, जो कि नीचे को जाने पे इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वंडरवर्ल्ड फोर्स ऑफ इंट्रेक्शन इंक्रीज होती जा रही है तो यहां से नीचे जाने पे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा लेकिन

So, lowest boiling point that will be in case of pH3. Next is 45th question. <coughs> the oxidation state of phosphorus in Ba brackets H2PO3 twice is?

प्लस ओ टू तो रेडिश ब्राउन कलर जो गैस बन रही है सो का इट विल बी सी ऑप्शन नेक्स्ट इज क्वेश्चन अमोनियम कंपाउंड विच ऑन हीटिंग डज नॉट गिव एन एच थ्री इज तो एन एच फोर टू जो है दैट डज नॉट डीकोज टू फॉर्म एन एच थ्री बिकॉज एन एच फोर एन ओ टू जो सी ऑप्शन है फोर्टी सिक्स क्वेश्चन देखिए जो सी ऑप्शन है एन एच फोर टू जब डीकम्पोज होगी तो इट फॉर्म्स एन टू एंड एच टू ओ एन एच थ्री नहीं बनता है एन टू बनती है और एच टू ओ बनता है सो फोर्टी सिक्स का इट टू बी सी ऑप्शन एन एच फोर टू टू गिव एन टू एंड एच टू इट डज नॉट फॉर्म एन एच थ्री क्स्ट इज फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन द्विट फॉस्फोरस इज वाइट फॉस्फोरस का टेट्रोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस टेट्रोहेड्रल अरेजमेंट होगी इनकेस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस सो फोर्टी सेवेंथ का सी is the correct option. Next is 48th question. Among the following species, <coughs> identify the isostructural pairs. So it will be C. अब देखिए कैसे है ये? मैंने आपको formula बताया था. Hybridization निकालने का. अगर hybridization same आ रही है, तो इनका structures भी same होंगे. तो 48th question देखिए. C आएगा. NF3 और h3o पॉजिटिव बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल क्यों आप जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप कीजिए नाइट्रोजन के कितने नाइट्रोजन के पांच और फ्लोरींस के कितने 7 7 तीनों के okay. 7 3 इज 21 21 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 26 26 को आप डिवाइड कीजिए 8 से फे 2 से सो इट विल बी 3 plus 1 4 4 मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन दैट विल हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पिरामिडल होगा इसका 3f है एक लोन पेयर होगा h3o हो पॉजिटिव तीन हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का 6 होते हैं 6+9 लेकिन एक लूज भी हुआ है -1 क्योंकि पॉजिटिव है तो इट विल इट विल बी 8 एक लूज हुआ है पॉजिटिव है चार्ज ऊपर तो 8 मींस किससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 4 8 4 मींस एस पी थ्री हाइबाजेशन तो देव टू बी आईसोस्ट्रक्चुरिडल शेप होगी इनकी और एनो थ्री नेगेटिव एंड बी एफ थ्री ऑल्सो फोर्टी एट में ही सेकेंड पेयर जो है दैटविलगेटिव एंड बी एफ थ्री कैसे देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन एडअप कीजिए नाइट्रोजन के पांच ऑक्सीजन <coughs> के एक के सिक्स थ्री एटीन माइनस है तो प्लस वन उन्नीस हो गया उन्नीस पांच चौबीस आठ से डिवाइड कीजिए थ्री एस पी टू हाइड्रोजेशन प्लेनर होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, हो प्लेनर बोरोन के तीन सेवन थ्री ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर सेम इसमें भी एसपी टू हाइड्रोजेशन ट्रायगनल प्लेनर ज्योमेट्री तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको आते हैं तो आप उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी दे विल बी आइसोस्ट्रक्चरल आल्सो तो इट विल बी 48th का सी आंसर nf3 एंड nh3 पॉजिटिव आइसोस्ट्रक्चरल हैं और no3 नेगेटिव एंड bf3 आइसोस्ट्रक्चरल हैं नेक्स्ट इज 49th क्वेश्चन द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ r ऑफ n इन r2nh इज r2nh कहां से बना NH3 से NH3 की क्या हाइब्रिडाइजेशन थी दैट वाज sp3 तो R2 NH की क्या होनी चाहिए दैट विल आल्सो बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल ज्योमेट्री होगी R2 NH जो है दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज सो सल्फ्यूरिक एसिड हैज ग्रेट एफिनिटी पानी के लिए ग्रेट एफिनिटी है सल्फ्यूरिक एसिड एसिड की बिकॉज जो है दैट फॉर्म्स हाइड्रेट्स विद वाटर हाइड्रेट्स बनाता है एसिड विद वाटर सो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद पी सी एल फाइव टू गिव तो एच टू एस ओफ फोर का रिएक्शन पता होना चाहिए आपको पी सी एल फाइव के साथ दिस इज द रिएक्शन

फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज दाइब्रोडेशन ऑफ सल्फर इन एस एफ फोर तो ये मैंने आपको टेक्स्ट में बताया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है एस एफ फोर का देख लीजिए <coughs> तो इसमें देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एडअप कीजिए सल्फर के छे सिक्स ग्रुप में है ये हाइलोजन <coughs> फैमिली का फ्लोरिन सेवन फोर ट्वेंटी एट तो दिस इज थर्टी फोर 34 को यू हैव टू डिवाइडेड बाय 8 2 1s आर 2 फिर दो से डिवाइड किया ये ऐड अप कीजिए 4 plus 1 5 5 कोरेस्पोंड्स टू sp3d चार हो गया यहां तक d sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें sf4 की sf4 में s की sp3d हाइब्रिडाइजेशन b इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज 53rd क्वेश्चन नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राइक्साइड ट्राइमर सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो ट्राइमर है एस थ्री ओ नाइन उसमें कितने एस एस बॉन्ड्स हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है एस थ्री ओ नाइन का ये स्ट्रक्चर है

नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल इज तो एच टू एसओ फोर का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फिफ्थ टू फिफ्थ क्वेश्चन लाइक दिस एच टू एस ओ फोर में ही इज आस्किंग फॉर नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स डेटिव बॉन्ड्स कितने देखिए दो डेटिव बॉन्ड्स है वन एंड टू

एच so, एफ और एच एफ में तो देर आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे करके दे विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज फ्लोरिन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड देख पॉइंट तो काफी ज्यादा होना है तो वॉलेटिलिटी ये तो कम वॉलेटाइल होगा काफी उसके बाद देखिए इसके बाद नीचे जो जा रहे हैं जो इंट्रैक्शन है वनडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है और वनडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिपेंड करती है ऑन द साइज ऑफ दिस हैलोजन

which of the following halogens does not form its oxyacids so fluorine does not form its oxyacids because fluorine is the strongest oxidizing agent halogens it is the strongest oxidizing agent or because oxidizing agent it will not form oxyacids so fluorine does not form oxyacids 58th question next question is uh, fluorine does not form does not show positive oxidation states due to absence of एक तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट है फ्लोरीन को, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। नंबर है इट तो विल नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो डी ए डी ऑर्बिटल फिफ्टी एट का ए नेक्स्ट इज फिफ्टी नाइन क्वेश्चन The इन आईसीएल सेवन इज तो इसमें सेम वही आपने फॉर्मूला लगाना है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एडॉप्ट कीजिए आप फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन आईसीएल सेवन तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हेलोजेंस आगे सात क्लोरीन और एक आयोडीन तो आठ हेलोजेंस आगे एट सेवन आर 56 और इट विल बी आल्सो बी 8 7 आर 56 7 नंबर आ रहे हैं 7 कोरिस्पोंड्स टू sp3 चार हो गए यहां तक d3 sp3 d3 सो so, ए a 59th का ए इज द करेक्ट ऑप्शन 60th क्वेश्चन द सेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज तो इट विल बी ए दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिक्सटी क्वेश्चन है एसिडिटी का ऑर्डर एसिडिक करेक्टर का एच सी एल ओ टू एच थ्री एंड एच फोर तो आपको बताया गया था लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट से कि ये जब एसिड बनाएगा एसिड है जब ये तो एच पॉजिटिव रिलीज करेगा तो सी एल नेगेटिव ये एच पॉजिटिव प्लस सी नेगेटिव एच पॉजिटिव प्लस सी नेगेटिव H positive plus CLO4 negative. <coughs> जो बेसिस बन रहे हैं उसमें देखिए CL, CL, CL तो सारों में बराबर है ऑक्सीजन एक दो तीन चार तो सिंगल नेगेटिव चार्ज ओवर सिंगल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है इट विल बी स्ट्रॉगेस्ट बेस और स्ट्रॉगेस्ट बेस है तो इसका जो एसिड होगा कंजुगेट एसिड दैट विल बी वीकेस्ट

क्योंकि साइज सबसे छोटा है हीलियम का जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रेक्शन इंक्रीज करती जाएंगी और बॉइलिंग भी इंक्रीज करता जाएगा तो हीलियम का इंट्रैक्शन क्योंकि आपस में बहुत वीक है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हीलियम एटम्स तो देर फोर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सिक्सटी सेकेंड का डी वीक वंडरवॉल्स फोर्सिस बिटवीन एटम्स विल बी दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज 63rd क्वेश्चन मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो आपने कोड्स सेलेक्ट uh, करने हैं नीचे से ए बी सी डी ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड है तो उसमें देखिए क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए क्लिक करके देखें ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड तो जीनोन के पास आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेवन फ्लोरीन के पास सेवन फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट एट, एंड थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स को आप डिवाइड कीजिए एट से फोर रिमाइंडर फिर टू से अप कीजिए फोर प्लस टू सिक्स सिक्स मीन्स एस पी थ्री चार हो गए यहां तक

एक ही ऐसा है दैट इज डी ऑप्शन जहां पे ए के आगे थ्री लिखा है तो इट हैज टू बी डी ऑप्शन वैसे आप बाकी भी चेक कर सकते हैं सेम फॉर्मूला लगा के तो इट विल बी डी ऑप्शन ए का थ्री बी का वन और सी का फोर एंड डी का टू तो सिक्सटी थर्ड डी नेक्स्ट इज सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन जीन एटम्स इन जीन ऑन डाइफ्लोराइड जीनोन टेट्रोफ्लोराइड एंड जीनोन हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पेक्टिवली सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को आप लूस डॉट स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं जीनोन डाइफ्लोराइड में कितने लोन है? पेयर हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जीनॉन के पास पहले ये देखिए आठ हैं इसके पास क्योंकि ये नोबल गैसेस में आता है एक दो शेयरिंग हो रही है ये क्रॉस वाला मैं बना रहा हूं फ्लोरीन के जो फ्लोरीन से आ रहे हैं बाकी देखिए कितने बच गए एक दो तीन चार अभी छह पूरे हुए

एक यहाँ फ्लोरीन के साथ शेयर हो गया एक एक करके चार फ्लोरीन के साथ चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए बाकी कितने बच गए एक दो तीन चार दो लोन पेयर रह गए इसके पास जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है सो इट इट विल हैव टेट्राफ्लोराइड विल हैव टू तो थ्री टू फर्स्ट में भी है ए ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी तो हमें जीनोन हेक्साफ्लोराइड पे भी जाना पड़ेगा जीनोन हेक्साफ्लोराइड

तो ऑप्शन देखिए आप थ्री वाली फर्स्ट में थ्री वाली एक ही ऑप्शन है ए थ्री फाइव फोर वन बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर निकाला एक्स माना एक ऑक्सीजन का माइनस टू चार का हो जाएगा माइनस एट प्लस वन प्लस सेवन हो गया वहां पे प्लस फोर प्लस सेवन से प्लस फोर की चे, कितना चेंज है थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन नेक्स्ट इज

पार्टली फील्डिट्स होने चाहिए जिंकियमकरी का ऐसा नहीं होता ना उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ना ही उनकी एलिमेंट्री फॉर्म में बट स्टिल इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जैसे कंप्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह तो सी सिक्सटी सिक्स द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन इन वार एन एलॉय ऑफ एफ एंड निकल इज यूज इन वॉचेज एंड मीटर स्केल्स

तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखिए इसमें कितने हैं थ्री पी सिक्स थ्री डी थ्री एंड फोर एस टू ट्रांजिशन में आ रहा है वैसे ये तो थ्री डी में तीन और फोर एस में टू पांच तो हो गए उसमें डी में एन माइनस वन डी में और एन एस में नंबर मिला के पांच हो गया तो फिफ्थ ग्रुप होगा ये सिक्सटी एट का ए फिफ्थ ग्रुप सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन टाइटेनियम शोज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन पॉइंट सेवन थ्री बोहर मैग्नेटन टाइटेनियम इन कंपाउंड. तो ऑक्सीडेशन जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है इसमें देखिए सिक्सटी क्वेश्चन में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एन इन टू एन प्लस टू अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन थ्री तो ये तब आएगा इफ एन इज वन अगर एन वन होगा नंबर ऑफ अनपेड वन है यहां पे वन है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है ये तो आएगा N, तो आएगा अगर टाइटेनियम का आपको पता है व्हाट इज नंबर ऑफ टाइटेनियम 22 आर्गन 3d2 4s2 तो वन अनपेड कब आएगा

तो एल थ्री पॉजिटिव का मैक्सिमम साइज होना चाहिए उसके बाद आएगा सी ई थ्री पॉजिटिव लेंथेनाइड शुरू होते हैं सीरियम से तो एल थ्री पॉजिटिव ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन उससे छोटा सी थ्री पॉजिटिव उसके बाद पी थ्री पॉजिटिव उसके बाद वाई थ्री पॉजिटिव तो सेवेंटी का ए इज द करेक्ट ऑप्शन दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज